जब ये कहीं पर जाते थे हरिद्वार वगैरह या कहीं जाते थे कांग्रेस के राज में इतने गड्ढे होते थे। यही तो आज डिग्री फर्जी है, आप पॉइंट पर आओ, सुनो ये टीवी डिबेट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, भाषण नहीं, पॉइंट पर आओ ना, सवाल का जवाब लेंगे, जवाब का सवाल लेंगे, बिल्कुल करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इतने हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल इतने दिए हैं। जब शीला दीक्षित थी, जब आप जाते थे हरिद्वार, अगर किसी को नहाने जाना पड़ता था या किसी कोई मृत्यु हो जाती थी, फूल बहाने पड़ता था, सुबह निकलता था पूरी रात निकल जाती थी। लेकिन आप देखिए, अगर बम्बई से लेके कन्याकुमारी से लेके आज केंद्र सरकार ने रोड ऐसे भाषण नहीं पॉइंट टू पॉइंट ऐसे रोड बना दिए। हाँ। जो आज भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे कुछ नहीं हो रहा, आप सारी जनता की तारीफ है। जो आदमी काम करेगा उसकी तारीफ करनी चाहिए। गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी अगर सारे एयरपोर्ट बेच देंगे, मोदी जी अगर एयरपोर्ट बेच देंगे तो क्या उन पे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? मोदी जी अगर किसी संस्था को बेचेंगे तो क्या उन पे सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? मोदी जी जब राहुल जी को उनके ऊपर दो आडाणी एक मिनट देखिए, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नाले चौक है। अगर जब बरसात आती है तो दिल्ली एक झील का रूप धारण कर लेती है। क्या दिल्ली में तो एक बात कहते हैं कि एक मग्गा पानी फेंक दो सड़क पे जाम लग जाएगा। तो बताओ ये चार बूंद पड़ती नहीं जाम लग जाएगा। ये नाले खुलवाने की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, हमने डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना है। हमने क्षेत्र के जो हमारे मुद्दे हैं उन पे बात, सबके अपने मुद्दे, अपने मुद्दा, भाषण नहीं, अपना मुद्दा बताओ ना, भाषण नहीं। सारे नेता यहाँ पर अभी सबने बोला कि केजरीवाल ने क्या काम किया है शिक्षा के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक नारा था, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो आज अगर केजरीवाल ये कर रहा है तो लोगों को क्यों मिर्च लग रही है? मैं ये कहता हूँ, मोदी जी की डिग्री की बात अभी कांग्रेस वालों ने की है। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर केस चला था, उसमें 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाते हैं? केजरीवाल ने क्या किया फिर जो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गुजरात हाई कोर्ट ने? क्यों नहीं कहते उस? मैं ये कहता हूँ, ये सारे कह रहे हैं कि स्कूल बना दिए, ये बना दिए, बिल्डिंग बना दी, शिक्षा तो दी नहीं। क्योंकि अभी जो रिजल्ट आया है, 100 में से 4 बच्चे पास हुए हैं, तो वो शिक्षा का फायदा क्या है? उन बच्चों क्या शिक्षा दी गई है? मुझे क्या शिक्षा दी गई है बताओ ना? ऐसा है, ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये अगर किसी ने दो अच्छे काम किए हैं वो कभी नहीं कहेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे एक दूसरे का। केजरीवाल ने काम क्यों नहीं किए? ऐसे रोड बनाए जैसे सिंगापुर में है, ये केएन काटजू मार्ग है, एक ये शकुर बस्ती वाला रोड है, ये ठाला वाला रोड है। अच्छा, पानी की इतनी बढ़िया पढ़ाने के लिए कहाँ? ये कह रहे हैं कि हम अपने टीचरों को बताओ। मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से कि भाई ये कह रहे हैं हमने शिक्षित ये कर दिया, स्कूल बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग भाई बिल्डिंग से होता क्या है? आपने उसको जनरल शिक्षा की दी, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में भी और पेपर में भी खूब आ रहा है, 9th और 11th के बच्चे जिसमें से सिर्फ 100 में से 4 बच्चे पास हुए हैं, तो ऐसी शिक्षा का फायदा क्या है? ये पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ गया। आप एक मिनट धर्मवीर जी, अपने स्कूल का बता देंगे, सेक्टर 3 में 9th और 11th के बच्चे कितने पास हुए हैं? आप बिगर बात, एक सेकंड, आपको नहीं पता? ये तो अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया भी नहीं है, 9वीं 11वीं की बात हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ 9वीं और 11वीं की, भैया 9वीं और 11वीं में आप हमारे से ना जाके उन टीचरों का हिडन इंटरव्यू लो जिन पर दबाव है कि इन बच्चों को, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पास किया, पास कर करके भेजो। सेंटर भी ऐसे डालते हैं ताकि 10th और 12th का रिजल्ट हम पूरा देश के, और सिर्फ। लेकिन मैं एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ, आज जो आदमी 50 और 55 साल का, 45 साल का, 40 साल का, क्या वो पढ़ा हुआ नहीं है? क्या वो एजुकेटेड नहीं है? क्या इससे पहले उसे एजुकेशन नहीं मिली थी? आज सिर्फ दिल्ली सरकार एक ही ढोल पीट रही है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है और कॉरपोरेशन के हम फलाने देश में भेजना चाहते हैं एलजी साहब से झगड़ा करके टीचरों को ट्रेनिंग के लिए। वो जो केजरीवाल जी पढ़े हुए हैं, जो सरकार में नौकरी कर रहे थे, वो क्या भारत सरकार ने या दिल्ली सरकार के पढ़ाए हुए बच्चे नहीं है? इससे पहले लोग मौजूद नहीं थे क्या यहाँ?